जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने जब बड़े मंदिर का निर्माण किया तो गणेश जी की मूर्ति के लिए उन्होंने अपनी संगत को साथ लेकर एक ऐसी जगह गए जहां पर कोई भी नहीं था और वो जगह एक जंगल की तरह थी। उस समय गुरु जी ने अपनी संगत को वहाँ पर ज़मीन में खड्डा करने के लिए बोला और कुछ देर खुदाई के बाद संगत जी गणेश जी की वो प्रतिमा जो बड़े मंदिर में विराजमान है वो वहाँ से चमत्कारी रूप से गुरु जी की कृपा से प्रकट हुई और उसे बड़े मंदिर में लाकर गुरुजी ने अपने हाथों से वहां विराजमान किया। जो संगत ये नज़ारे गुरुजी के साथ उस वक्त देख रही थी उनका कहना है कि गणेश जी ने अपनी आँखों को क्षण भर के लिए खोला, जो कि हरे रंग की बहुत ही सुंदर आँखें थी, और फिर बंद कर लिया। ये नज़ारा सबने देखा लेकिन गुरुजी के डर से किसी ने वहाँ कुछ नहीं बोला, मन में ही रखी यह बात। जब गुरुजी मूर्ति स्थापन के बाद वहाँ से चले गए तो संगत ने आपस में एक दूसरे से पूछा कि क्या आपने गणेश जी की आंखें खुली और फिर पुनः बंद हो गई देखा था? तो सब संगत ने वहाँ जो खड़ी हुई थी सब ने ये नज़ारे के दर्शन किए थे। और संगत जी, गुरु जी कहते थे कि गणेश जी का स्थान सभी देवी देवताओं से ऊपर है, तो हमें गणेश जी का हमेशा उन्हें अपने मंदिर में ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। आजकल लोग गणेश जी को शो पीस की तरह अपने ऑफिस में या अपने घर के ड्राइंग रूम में या अपने घर के बाहर सजाते हैं। गुरु जी इस बात की कड़ी निंदा करते थे कि ये कलयुग के इंसान को गणेश जी का महत्व भी नहीं पता और उनके गुणों को वो कुछ अलग ढंग से व्याप्त करते हुए उन्हें एक वेलकम के रूप में अपने घर के बाहर सुसज्जित कर देते हैं, जो कि हम खुद पाप के भागी बन रहे हैं। तो संगत जी, गणेश जी को अपने मंदिर में, अपने दिल में और सर आँखों पर स्थान दीजिए ताकि हम उनकी कृपा पा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमें इतना ज्ञान देने के लिए और इतना समझाने के लिए।